सो हेलो गाइस, सो गाइस अपने मैजिक क्यूब बंडल में काफी सारे बंडल रहते हैं और कुछ बंडल कभी आते रहते हैं तो कभी जाते रहते हैं, समझ रहे हो ना। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 10 मैजिक क्यूब के बंडल जो आप लोग को जरूर से जरूर रिडीम करने चाहिए। वैसे आप लोग ने भी काफी सारे मैजिक क्यूब के बंडल रिडीम करे होंगे, बट अगर ये 10 बंडल में से एक भी बंडल आप लोगों ने रिडीम नहीं किया तो इसको जरूर से रिडीम करना, क्योंकि इनसे काफी अच्छे अच्छे आप लोग ड्रेस कॉम्बिनेशन पहन सकते हो और काफी ओपी आप लोग लिख सकते हो बिल्कुल ही फ्री में, समझ रहे हो ना, मैजिक क्यूब के बंडल से। तो ये 100 बंडल अगर आप पे हैं तो बताना इनमें से कौन से हैं आप पे, और अगर इनमें से कोई भी बंडल आप पे नहीं है 100 बंडल में से तो उस बंडल को जरूर से रिडीम करना, ताकि आप लोग भी उसके मजे ले पाओ और अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन पहन पाओ। और बाकी अगर कॉम्बिनेशन देखने तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, हर एक जो बंडल आप लोग देखना चाहो उसके ड्रेस कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना। तो गाइस यहाँ पर आप लोग ये वाला बंडल देख सकते हो, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि इनमें से कितने बंडल आप लोगों के पास हैं। तो ये वाला बंडल आप लोग सोचोगे क्या ही लूंगा, बट इसका अगर चेस्ट देखोगे तो काफी ज्यादा यूजफुल होता है और इसका चेस्ट आप लोग काफी ज्यादा जगह और काफी ज्यादा कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हो, बहुत ओपी लगेगा इसका चेस्ट। ओके, उसके बाद बात कर ले तो ये वाला बंडल आ जाता है जिसका नाम आप लोग पढ़ लेना, वैसे ओल्ड एज करके कुछ नाम है इसका, और ये वाला बंडल भी आप लोग सोचोगे बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होगा, बट इसका हेयर पैंट वगैरह बहुत ज्यादा यूजफुल है। जैसे कि आप लोग को थोड़ा सा पहन के मैं दिखाऊं तो देखिए इस तरीके से कुछ यूजफुल आ जाएगा और काफी ज्यादा अच्छा आप लोगों को लगेगा। तो आप लोग ये बंडल भी एक बार ले सकते हो, एंड काफी सारे बंदों ने ले भी रखा है और मैंने भी गाइज मैक्सिमम से मैक्सिमम बंडल रिडीम कर लिए थे, ठीक है, जितने भी मेरे पे मैजिक क्यूब थे तो रिडीम कर लिए थे। तो ये बंडल गाइज अभी आते रहते हैं, कभी भी मतलब कोई अगर इवेंट वगैरह कुछ आ रहा है तो आ जाते हैं, तो आप लोग ले लेना, ठीक है। उसके बाद बात कर ले तो ये वाला बंडल रिवेंजफुल लेदर वाला बंडल, इसका हेयर है जो ज्यादातर यूजफुल है और इसका चेस्ट थोड़ा बहुत यूजफुल है, बाकी देख सकते हो उसका हेयर काफी ज्यादा अच्छा लगता है, कॉम्बिनेशन भी आप लोग पहन सकते हो हेयर के। ओके, उसके बाद बात कर ले तो ये वाला बंडल है, इसका नाम मेरे को नहीं पता, बट हाँ ये वाला बंडल का चेस्ट वगैरह अगर आप लोग देखोगे तो पूरा का पूरा बंडल ये पूरा बेस्ट लगता है मेरे को, क्योंकि ये बंडल एकदम फिट बंडल है और ना तो ज्यादा मोटा है ना ज्यादा पतला है, ठीक है, बेस्ट बंडल लगता है मेरे को। उसके बाद बात कर ले तो अपना आ जाता है गाइज ये वाला बंडल, सो गाइज ये वाला बंडल जो है अपना बीच टाइम बंडल, इसका हेयर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और ओपी लगता है, ठीक है। उसके बाद अज्जू भाई वाला बंडल है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है, ये वाला भी काफ़ी सारे बंदों ने ले रखा है, तो आप लोग भी इसको लेकर यूज़ कर सकते हो, अज्जू भाई वाली फीलिंग ले सकते हो। और उसके बाद हम ये वाले बात करें तो ये वाला बंडल काफ़ी सारे बंदे नहीं लेते क्योंकि उनको लगता है यूज़फुल नहीं है, बट इसका जो टॉप है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है और ये काफ़ी सारे बंदों ने नहीं लिया, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा मैजिक क्यूब हो। वैसे इन सारे बंडल में से आप लोग जरूर से जरूर लेने चाहिए, बाकी तो अपने बायोफोर्ज वगैरह तो आप लोगों ने पहले ही रिडीम कर लिए होंगे, क्योंकि सबसे पहले बंदे बायोफोर्ज और ये सब वगैरह रिडीम करते हैं क्योंकि ये सबसे मेन बंडल माने जाते हैं, इसलिए बंदे ये वाला रिडीम कर लेते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद जोकर वगैरह भी आप लोगों ने रिडीम करे होंगे, तो इनको गाइस हम मतलब एंड में रखा है क्योंकि आप लोगों ने ये पहले से रिडीम करे होंगे, ठीक है। तो उसके अलावा भी देखते हैं गाइस, तो उसके अलावा गाइस ये वाला बंडल अपना मतलब बैंडिट बंडल, ये सबसे ज़्यादा रिडीम किया जाता बंडल है क्योंकि इसका जो चमकने वाला इफेक्ट होता है ना बैंडिट का, तो ये हर एक बंदे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इसको यार बड़े बड़े यूट्यूबर भी यूज़ करते हैं, अमित भाई वगैरह और मॉन्टेज वगैरह वाले, ठीक है। उसके बाद वैनम का बंडल देख सकते हो, वैनम का बंडल, और एक बार मेरे रिडीम सेक्शन में देखो, हर एक बंडल कलेक्शन की तरह रखा हुआ है, एंड ये वाला देख सकते हो, ठीक है। तो ये वैनम का बंडल नहीं, वैनम नहीं, ये ड्रैगुला का बंडल भी काफ़ी ज़्यादा सही लगता है, इसका टॉप यूज़ में आता है। और ये वाला है वाइल्ड फायर वेगा बॉन्ड, इसका अपना कैप यूज़ में आ जाता है, आपका पैंट भी यूज़ में आ जाता है और एक तरीके से काउबॉय की तरह लगता है, ठीक है, आग वाला काउबॉय बोल सकते हो। अब फीमेल की बात कर ले तो फीमेल में एक ये बन्नी वाला बंडल जो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मेरे पे फीमेल का एक भी बंडल नहीं है गाइस, ठीक है, तो मैं दूसरे सर्वर में आपको जाके दिखा रहा हूँ, तो यार एक बार लाइक जरूर से कर देना और हाँ सब्सक्राइब कर देना। और ये वाला देख सकते हो फीमेल का ये वाला बंडल, ये तो फुल बंडल मस्त लगता है ये वाला बंडल, ये गाइस मेरे को रिडीम करना है, अभी मेरे पे मैजिक क्यूब हो जाएगा और ये जब रिटर्न में आएगा तो मैं दोबारा इसको रिडीम करूँगा। और ये वाला स्कारलेट विच कौन सा है इसका नाम, वायलेट फ्लेम है शायद से, नाम गाइस मेरे को पता नहीं है, ठीक है, एंड दूसरे सर्वर में दूसरा नाम रहता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। तो गाइस मेरे पास भी इनमें से काफ़ी सारे मतलब थोड़े बहुत बंडल नहीं है, तो मेरे को जब मैजिक क्यूब मिलेगा और ये रिटर्न्स में आएंगे दिवाली होली या किसी भी इवेंट में, तो मैं इनको रिडीम कर लूँगा। बाकी आपके पास इनमें से कितने बंडल है कमेंट करके एक बार बताना। और हाँ भाई लोग, डायमंड रॉयल के जो बंडल होते हैं यानी कि अपने डायमंड रॉयल होते हैं वो भी मैजिक क्यूब में आते रहते हैं, तो अगर कोई भी डायमंड रॉयल आपको अच्छा लगता है और आप लोग नहीं निकाल पाते तो आप लोग उसको भी मैजिक क्यूब से ले सकते हो जब वो मैजिक क्यूब में आ जाए, क्योंकि एक एक करके सारे डायमंड रॉयल मतलब मैजिक क्यूब में आ जाते हैं, क्योंकि जो मैजिक क्यूब के बंडल होते हैं वो सारे मतलब बंदे रिडीम कर ही लेते हैं, इसलिए डायमंड रॉयल के बंडल को भी ऐड कर दिया जाता है मैजिक क्यूब में। तो कोई डायमंड रॉयल का अगर आपसे कोई अच्छा बंडल मिस हो जाए छूट जाए तो आप लोग उसको मैजिक क्यूब से एक्सचेंज कर लेना, आप लोग का फ़ायदा
वहां पर हो जाएगा। ओके, तो एक बार लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।